डेफिनेटली अगर अलग लग रही हूँ तो आई होप पॉजिटिवली अलग लग रही हूँ, बिकॉज बहुत लंबी एक ट्रिप ली मैंने श्रीलंका में, 15 दिन की ट्रिप ली, बिकॉज यू नो डिटॉक्स चाहिए था वर्क लाइफ से, बिग बॉस से, क्योंकि इतनी अडिक्ट हो गए थे कि वापस आके भी मैं पूरे दिन एपिसोड्स देख रही थी तो थोड़ा ना मेंटली हैवी हो रहा था. तो आई वाज लाइक आई नीड दिस ब्रेक फॉर माय सेल्फ, थोड़ा सा काम वाम को थोड़ा साइड में रखा जाए और टाइम अपने आप को दे. सो श्रीलंका गई थी 15 दिन, अभी वापस आई. इनफैक्ट और एक्सटेंड करने का प्लान था बट एक वर्क आ गया बाय गॉड्स ग्रेस. दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग आफ्टर बिग बॉस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. तो बस इसीलिए शायद थोड़ी अलग लग रही होंगी. बिग बॉस से आप इट इज नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना, इट इज नेवर टू लेट. ये कोई थंब रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला. इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफी वीक थी. जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन, मुझे मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफी वीक थी, मेंटली वीक थी. एंड सच कहूंगी, क्योंकि मैं तब उन्हें तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी. अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई. मैंने पहले चीजें आगे निकाली ही नहीं, तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला, तो मुझे वापस आके ही पता चला ना. तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया, तो उसमें गलत क्या है. आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग. एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, यू नो. सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है. मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा. तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस. तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है. जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है. बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब ये है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट. मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द यू नो एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर. शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे बट हमेशा मैंने ये कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो क्यों मैं सच क्यों नहीं ऐसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है, तो क्लियरली ये उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद. क्योंकि 4-5 महीने पहले भी जब हमारा एनकाउंटर हुआ था वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीजें मेंड करने, व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ. मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ. आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ. मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ. मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ. एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेकर हमेशा आई बीन आउटस्पोकन, यू नो वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर. मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी उनके साथ ही इट्स ऑलवेज बीन आउट. तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट. तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ. हाँ फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, who gives love to people, so definitely I would want to settle down in life. But अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ, किनके साथ हूँ, क्या वो उनके assumptions, I don't know, वो ही जाने. और रही बात रिश्ते की, वो relationship के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वो बिल्कुल सूट नहीं करता. Why not? I have moved on in my life. He's moved on in his life. कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, which is absolutely normal. तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं. आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल
life, whatever life he's going forward with. And yeah man, that's human, two people part ways. So sab apne apne life mein settle ho, khush ho. Baki I don't know, unhone khud kaha tha jiya ko ki mujhe is angle mein ghusna hi nahi hai relationships mein because I'm not meant for it. Aur ek interview mein unhone ye bhi kaha tha ki main 2 ghante mein out of love ho jata hu. To agar aap 2 ghante mein out of love ho jate to please kisi ki life mat kharab kijiye, but phir bhi I wish the best for him if he wants to move on. जिया की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी. मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई. यू नो, अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए, आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी, भले यू नो आगे से जाके पहलू मैंने की, बात हमारी हुई, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ यू नो गेम में आगे बढ़ने का सोचा. इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई. एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया, आई थिंक नथिंग लाइक इट. तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी. मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे, क्योंकि उनको जिया ने मुझे कन्फ्रंट भी किया था. उसने मुझे कहा था कि यू नो जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है घर में, कोई मेरा बैकबोन है. एंड डेफिनेटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज अ स्ट्रेंथ फॉर श्योर. ओके, तो आई थिंक उसकी अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का. सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के. तो आई थिंक अभी वो मुझे ये चीज मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो, मुझे लगता है सलमान सर एज अ होस्ट ऑफ द शो हमें उस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं. उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है. एंड वो जब वीकेंड के बाद में किसी को समझाते भी हैं तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम. हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा, क्योंकि हमें ना वीकेंड के बाद एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्या हम चेंज करें. सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल, प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं. बट लाइक आई सेड, एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है, सलमान से क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है. स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन. मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रांग है, जिया डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो जीते, बट इफ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए. आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ विनर. टॉप 3 में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूंगी. जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिग बॉस डिटॉक्स लिया था श्रीलंका, तो मैंने पिछले 15 दिन से एपिसोड्स देखे ही नहीं है. बट बैक देन व्हाट आई सॉ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गेम आपको अपने दुश्मन और दोस्त, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आपके दोस्त है कौन दुश्मन. आई थिंक वो काफी न्यूट्रल खेल रही है इन अ वे अभिषेक के साथ. मुझे ऐसा लगता है अभी अविनाश भी निकल गए, फलक भी निकल गए, ऑल हर फ्रेंड्स आर आउट. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं वो लॉट में से वो शायद अभिषेक को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि पूजा मैम के साथ भी उसका बैंटर हो गया, मनीषा के साथ ऑलरेडी उसकी टिफ चलती है, एंड एल्विश के साथ भी वो पानी वाला इंसिडेंट जो भी हुआ था. तो मुझे लगता है जितना लॉट अभी बचा है, बेबिका के साथ उसकी कभी बनती नहीं थी, तो आई थिंक अभिषेक माइट ओनली बी हर सपोर्ट सिस्टम इन द गेम राइट नाउ. शायद मैं भी होती तो मैं इस लॉट में अगर समझती तो मैं अभिषेक ही मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड उसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता. तो फ्रॉम द गेम्स पर्सपेक्टिव आई थिंक, और उस घर, यार वो घर ही वैसा है, आपको चाहिए लोग, आप अकेले नहीं बैठ सकते हो उस घर में. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम वो ही है. दादा थोड़ा वॉल्यूम कम करो ना इधर. मुझे ऐसा लगता है ये मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं. एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे. मुझे ऐसा लगता है एक बार हम इस शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है. ऐसा नहीं, एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो. सो आई फील एवरीवन्स ट्रीटेड वेरी इक्वली इन द शो. डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज्यादा स्ट्रांग है आपको वोट्स उसके आएंगे ही, दैट इज बट ऑब्वियस. बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है, बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन व्हेन शी वाज वेरी फ्यूरियस कि यू नो तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं. बट लुक एट अस,
I with a 300k, Akansha with a 1 million is out, but Bebika with a 80k is still inside. तो ये एक बहुत बड़ा example है यार. मुझे नहीं लगता कि on the basis of followers एक winner, Mannu Punjabi was a winner one of the seasons, or I think this one Manveer. Manveer Gujjar was the winner one of the years. I think he came as a commoner, and मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, उनका दिल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, you know, to at least win the trophy. वो I think priority ज्यादा है. अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है तो definitely nobody can stop you from winning the show. And ऐसा नहीं है कि हम वो 300k या 400k वाले ही जनता देखती है. सलमान सर की ऑडियंस हमें देखती है, सबकी ऑडियंस, जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है इतने सालों से वो शो देखती है. सो डेफिनेटली हम कितने लोगों का प्यार भी जीतते हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी बैंड में बैठी हूँ, मैं अपनी वर्क स्पेस में हूँ. बट यू गाइज हैव टू बी स्टे ट्यून्ड, हैव सम पेशेंस. डेफिनेटली आई एम बैक विद अ बैंग, एंड ट्रैवल हो गया, डिटॉक्स हो गया, सब हो गया. अब आप लोगों के लिए काम करना है सो दैट आप लोग मुझे देख पाए वापस, मुझे बहुत सारा प्यार दे पाए. तो डेफिनेटली मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आ रही हूँ आप सबके स्क्रीन्स पर, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. मैं डेफिनेटली ये न्यूज जल्दी से यू नो आई विल ब्रिंग इट आउट. बट या ये मैं बस एक हिंट दे सकती हूँ, ये एक जो कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ किरदार, अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल रोल. ये एक्चुअली कैरेक्टर मुझे काफी हद तक रूहानियत की याद दिलाता है बिकॉज उसमें भी आई वाज प्लेइंग अ बॉस. सो हियर आल्सो आई एम प्लेइंग अ बॉस इन दिस शो. आई एम द लीड, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद सच अ लॉट. डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, शी इज डायरेक्टेड आर्या, आर्या शो के डायरेक्टर हैं, शी इज अ फीमेल. तो हम लोग की जितना भी यू नो फ्लोर पे है वो फीमेल पावर ज्यादा है. सो मुझे काफी मजा आ रहा है. But for rest of the updates, stay tuned and wish me luck. Thank you so much. Thank you.